संकट के समय सीबीएसई की परीक्षा निरस्त करने का निर्णय किया था, क्योंकि आज की परिस्थिति में ऐसे में विद्यार्थियों के जीवन को सुरक्षा देना यह महत्वपूर्ण है, और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर के हमारे बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। मैं भारत के प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने भी मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ निर्णय किया है। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश भी कोरोना की चपेट में आया, कई हमारे अपने लोग बिछड़ गए, कई हमारे विद्यार्थियों का अभिभावक आज इस दुनिया में नहीं है, तनाव का जीवन जी रहे हैं। विद्यार्थियों में और अभिभावकों में अनिश्चितता का वातावरण था, उसको समाप्त करते हुए मुख्यमंत्री जी ने 12वीं की परीक्षाएं नहीं कराने का निर्णय किया है। आज के समय में मध्य प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए इससे अच्छा कोई निर्णय नहीं हो सकता है, और इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे बच्चों के जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। हम कैरियर तो बाद में भी बना लेंगे, लेकिन जीवन पहले महत्वपूर्ण है, और जैसा कि लोग एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं तीसरी लहर आने वाली है, तो क्योंकि तीसरी लहर बच्चों को या 18 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को ज्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और इसलिए भी यह निर्णय महत्वपूर्ण था। किसी भी विद्यार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम रिजल्ट शीट एक वैज्ञानिक पद्धति से तैयार करेंगे, उसके बाद भी यदि कोई विद्यार्थी को उसमें संतोष नहीं होता है तो इसका भी विकल्प हम देने जा रहे हैं। मैं आज सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ, उनके अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि हम इस कोरोना महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। यही आज हम सबकी महत्वपूर्ण जवाबदारी है। सभी विद्यार्थियों की मेरी